तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप भी अभी के टाइम पे 20,000 तक के बजट में कोई सा एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन ढूंढ रहे पर कंफ्यूज है कौन से स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए, तो अभी के टाइम पे 20,000 के बजट में रिसेंटली लॉन्च मैंने बहुत सारे स्मार्टफोन को यूज किया और उनके बीच में कैमरा टेस्ट भी किया है। तो आज की इस वीडियो में आज आपको 20,000 तक के बजट में मैं आपको चार बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूँ जो की रिसेंटली लॉन्च हुए हैं और आप उन्हें जरूर कंसिडर कर सकते हैं। बात करो अगर कुछ फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको नो डाउट एक बहुत ही अच्छा और टॉप नॉच लेवल का कैमरा देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर OIS और 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन भी मिलने वाला है। तो अगर आप व्लॉगिंग के लिए, प्रो फोटोग्राफी के लिए स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो आप इन्हें जरूर कंसीडर कर सकते हैं। उसके साथ साथ मिड रेंज या फिर अबव मिड रेंज लेवल तक का पावरफुल 5G प्रोसेसर भी मिल जाएगा, जहाँ पर आप आराम से हेवी लेवल तक की गेमिंग कर पाएंगे। और सुपर एमोलेड तक की डिस्प्ले मिलने वाली है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, टॉप नॉच लेवल का डिजाइन और बहुत ही अच्छा यूजर एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट नंबर 4 पे जो स्मार्टफोन आता है, वह आता है पोको की तरफ से पोको X6 5G। दोस्तों, अगर आपको अभी का टाइम पे 20,000 तक के बजट में कोई सा एक बेस्ट परफॉर्मेंस एक स्मार्टफोन चाहिए, जहां पर आपको कंटेंट वॉच करना है, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए और उसके साथ साथ अच्छे कैमरे की क्वालिटी भी हो, तो पोको की तरफ से पोको X6 5G आपके लिए बहुत ही अच्छी चॉइस हो सकती है। यहाँ पर 6.67 इंच की क्रिस्टल रेस 1.5 के एमोलेड पैनल देखने को मिल जाती है। ये 12 बिट वाली पैनल है जो की 120Hz तक के रिफ्रेश रेट पे वर्क करेगी। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलेगा, 1800 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और पॉलीकार्बोनेट बैक मिलता है। बात करो प्रोसेसर की, तो यहाँ पर क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 7X Gen 2 वाला एक पावरफुल मिड रेंज लेवल का प्रोसेसर मिलेगा, जिसका अंततः काउंट स्कोर 6 से 6.5 लाख के आसपास आता है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पे आता है, मायो 14 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिलेगा। 5100mAh की बैटरी मिलने वाली है जो कि 67W के फास्ट चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। बात करें कैमरे की, तो यहाँ पर बैक में ट्रिपल कैमरा सपोर्ट मिलता है, जिसमें से प्राइमरी कैमरा 64MP का है, OIS का सपोर्ट मिल जाएगा, दूसरा कैमरा 8MP का अल्ट्रा वाइड, तीसरा कैमरा 2MP का, फ्रंट में 16MP का सेल्फी शूटर मिलेगा। स्मार्टफोन के मेन कैमरे में 4K तक की वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। बजट के अकॉर्डिंग कैमरे की क्वालिटी डिसेंट देखने को मिल जाती है। IP54 का सर्टिफिकेशन मिलेगा, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे, LPDDR4S के रैम है, UFS 2.2 के स्टोरेज। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की, तो स्मार्टफोन का 8GB रैम प्लस 256GB रोम वाला बेस वेरियंट आपको मिलने वाला है 19,999 रुपीज में। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट नंबर 3 पे जो स्मार्टफोन आता है, वह आता है रियलमी की तरफ से रियलमी 12 प्लस। तो दोस्तों, जो रियलमी स्मार्टफोन ब्रांड है ना, वो पहले ज्यादातर परफॉर्मेंस रेटिंग स्मार्टफोन पर ज्यादा ध्यान देता था, पर अभी के टाइम पे रियलमी कैमरा और डिजाइन पे ज्यादा फोकस कर रहा है। तो अगर आपको कोई सा एक बेस्ट कैमरा फोकस रियलमी का ही स्मार्टफोन चाहिए, तो रियलमी की तरफ से 12 प्लस के साथ आप जा सकते हैं। बात करो स्पेक्स की, तो यहाँ पर 6.67 इंच की फुल HD प्लस वाली एक OLED पैनल देखने को मिल जाती है जो कि 120Hz तक के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है, 2000 nits तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया और 3.5mm का हेडफोन जैक भी मिल जाता है। बैक में वीगन लेदर वाला डिजाइन मिल जाता है। बात करो प्रोसेसर की, तो यहाँ पर MediaTek की तरफ से Dimensity 7050 वाला प्रोसेसर मिलता है, जिसका अंततः काउंट स्कोर 5.5 से 6 लाख के आसपास आता है। स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 पे आता है, रियलमी आई 5.2 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा, 5000mAh की बैटरी और 67W का सुपरवोक चार्जिंग सपोर्ट भी मिलने वाला है। बात करो कैमरे की, तो यहाँ पर बैक में ट्रिपल कैमरा सपोर्ट मिलता है, जिसमें से प्राइमरी कैमरा 50MP का है, सोनी का लिटिया 600 वाला सेंसर है, दूसरा कैमरा 8MP का अल्ट्रा वाइड, तीसरा कैमरा 2MP का, फ्रंट में 16MP का सेल्फी शूटर मिलने वाला है। स्मार्टफोन के मेन कैमरे में 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाएगा 30fps पे। ओवरऑल कैमरे की क्वालिटी बजट के अकॉर्डिंग अच्छी देखने को मिल जाती है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे, IP54 का सर्टिफिकेशन है, LPDDR4S के रैम, UFS 3.1 के स्टोरेज। और अगर फाइनली बात करूं प्राइसिंग की, तो करंटली स्मार्टफोन का 8GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरिएंट आपको मिलने वाला है 19,999 रुपीज में। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट नंबर 2 पे जो स्मार्टफोन आते हैं, वो आते हैं iQOO की तरफ से iQOO Z9 5G और Vivo की तरफ से Vivo T3 5G। दोनों ही स्मार्टफोन बिल्कुल सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं, बस जो डिफरेंस मिलता है वो है ब्रांडिंग का और डिजाइन का। Vivo T3 में आपको 3 कैमरे वाला डिजाइन मिलता है, पर 3 कैमरे नहीं है, सिर्फ 2 ही कैमरे। तीसरा जो कैमरा दिख रहा है वो एक फ्लिकर सेंसर है। तो टेक्निकली इन दोनों स्मार्टफोन में सिर्फ 2 कैमरे और स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। परफॉर्मेंस एडिक स्मार्टफोन चाहिए जहां पर आपको गेमिंग करनी है, तो Z9 आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकती है, जहां पर मॉन्स्टर मोड देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आपको बेटर लुक, बेटर डिजाइन और बेटर ब्रांड वैल्यू चाहिए, तो T3 5G को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी बात करूं iQOO Z9 के स्पेक्स की, तो यहां पर 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस वाली AMOLED पैनल मिलती है जो कि 120Hz तक के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। फिंगरप्रिंट प्लेसमेंट थोड़ा सा नीचे की साइड है, 3.5mm का हेडफोन जैक नहीं मिलता है। यहाँ पर बैक पैनल मेट की प्लास्टिक बैक मिलने वाली है, साइड पैनल पॉलीकार्बोनेट की है। बात करूं प्रोसेसर की, तो यहाँ पर MediaTek की तरफ से Dimensity 7200 वाला एक अबव मिड रेंज लेवल का पावरफुल 5G प्रोसेसर मिलता है। स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 पे आता है, 14 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 5
5000mAh की बैटरी और 44W का चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। बात करूं कैमरे के तो यहाँ पर बैक में सिर्फ दो कैमरे का सपोर्ट मिलता है, कोई भी अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर नहीं है। बाकी जो मेन कैमरा है वो है 50MP का सोनी का IMX882 वाला सेंसर, वॉइस का सपोर्ट भी मिल जाएगा, कैमरे की क्वालिटी अच्छी देखने को मिल जाती है। दूसरा कैमरा 2MP का है, फ्रंट में 16MP का सेल्फी शूटर है। स्मार्टफोन के मेन कैमरे में 4K तक की वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, फ्रंट सेल्फी कैमरे से 1080p तक की वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर पाएंगे। कैमरे की क्वालिटी स्मार्टफोन की अच्छी देखने को मिल जाती है। मैंने इस स्मार्टफोन के कैमरे को कंपेयर किया है रियलमी की तरफ से नार्जो 70 प्रो और नथिंग फोन 2A के साथ, तो ओवरऑल कैमरे की क्वालिटी यहाँ पर अच्छी देखने को मिल जाती है। वीडियो क्वालिटी में आपको वॉइस का सपोर्ट मिलता है, बाकी डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे, बैटरी ड्रेन और हीटिंग इश्यू भी नहीं है। LPDDR4X की रैम है, UFS 2.2 की स्टोरेज, और अगर फाइनली बात करूं प्राइसिंग की तो करंटली स्मार्टफोन का 8+128GB रोम वाला वेरियंट आपको 999 में मिल जाता है, अगर इंक्लूडिंग बैंक ऑफर जाते तो 799 में भी मिल सकता है। बाकी फाइनली बात कर लेते हैं हमारे इस नंबर वन पे जो स्मार्टफोन आता है, बताए नार्जो की तरफ से नार्जो 70 प्रो। दोस्तों यहाँ पर एक फ्लैगशिप सेंसर मिल जाता है और मैंने सिर्फ इसीलिए ही इस स्मार्टफोन को नंबर वन पे नहीं रखा है, मैंने इस स्मार्टफोन को कंपेयर किया था नथिंग फोन 2A और IQ Z9 के साथ, जहां पर ओवरऑल कैमरे की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी मुझे नार्जो 70 प्रो की थोड़ी बेटर देखने को मिली, जहां पर स्क्रीन टोन्स और लाइट्स को रियलमी ने थोड़ी अच्छी तरीके से बैलेंस किया है। बाकी बात कर लेते हैं स्पेक्स की, तो यहाँ पर 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली एमोलेड पैनल देखने को मिलती है, जो कि 120Hz तक के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है, 2000Hz तक की पिक ब्राइटनेस मिल जाएगी, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है, बैक पैनल ग्लास की देखने को मिल जाती है और जो बैक पैनल है वो थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलता है, साइड पैनल पॉलीकार्बोनेट की देखने को मिल जाती है, ग्लॉसी साइड्स देखने को मिल जाएंगी और जो लुक है वो थोड़ा सा आईफोन टाइप का देखने को मिलता है। बाकी बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पर MediaTek की तरफ से Dimensity 7050 वाला प्रोसेसर मिलेगा, जिसका अंततः स्कोर 5.5 से 6 लाख के आसपास आता है। स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 पे आता है, Realme UI 5.0 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा, 5000mAh की बैटरी, 67W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने वाला है। यहाँ पर बैक में ट्रिपल कैमरा सपोर्ट मिलता है, प्राइमरी कैमरा 50MP का है, सोनी का IMX890 वाला फ्लैगशिप सेंसर है, दूसरा कैमरा 8MP का अल्ट्रा वाइड, तीसरा कैमरा यूजलेस 2MP का है और फ्रंट में 16MP का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। स्मार्टफोन के मेन कैमरे में 4K तक की वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है, ओवरऑल कैमरे की क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है। बाकी बात करो एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे, IP54 का सर्टिफिकेशन है और अगर फाइनली बात करो प्राइसिंग की, तो करंटली स्मार्टफोन का 8GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरिएंट आपको मिलने वाला है 19,999 रुपीज में। तो दोस्तों ये तो थे हमारे इसके टॉप 4 बेस्ट कैमरे स्मार्टफोन जो कि रिसेंटली लॉन्च हुए थे और अभी के टाइम पे आप 20,000 के बजट में जरूर कंसिडर कर सकते हैं। इस बजट में और भी बहुत सारे स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी F34 M34 अच्छे स्मार्टफोन है, परफॉर्मेंस इतनी खास देखने को नहीं मिलते, थोड़े पुराने भी हो चुके हैं इसलिए इस वीडियो में नहीं है। मोटोरोला की तरफ से G84, OnePlus की तरफ से Note C3 Lite और लावा की तरफ से लावा ब्लेस कर्व, अच्छे स्मार्टफोन है, इन्हें भी कंसीडर किया जा सकता है। बाकी वीडियो अगर आप लास्ट तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।